क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम चैप्टर 9 में ठोसों के यांत्रिक गुण भाग 7 और इसमें आज हम देखेंगे अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक शियर मॉड्यूलस के बारे में। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी पर हमारा यह चैप्टर कंटिन्यू जारी है। तो अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, जिसे हम शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं, क्या होता है? वास्तव में ये क्या है? एक प्रत्यास्थता गुणांक ही है। और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात। तो ये भी किसी खास तरह के प्रतिबल और खास तरह की विकृति का अनुपात होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, कोई एक ऐसा स्पर्शी प्रतिबल आप जब अप्लाई करते हैं, या आप कहते हैं कि कोई एक ऐसा हम किसी सतह पर कोई एक ऐसा बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, जिससे सतहों के बीच में सापेक्ष विस्थापन हो जाता है, तो वो जो वहाँ पर जो स्पर्शी प्रतिबल होता है और उसके बाद में क्या होता है कि सतहों का जब सापेक्ष विस्थापन होता है तो उसमें एक तरह की विकृति आ जाती है, उसका अनुपात कहलाता है अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक। मतलब आनुपातिकता की सीमा में, जो कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर होता है, अपरूपण प्रतिबल और उसके संगत अपरूपण विकृति का अनुपात द्रव्य का अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहलाता है। मतलब अपरूपण गुणांक को हम लिख सकते हैं अपरूपण प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात। अगर हम वैल्यूज के रूप में इसको देखें तो अपरूपण गुणांक को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अब अपरूपण प्रतिबल की बात कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ एक बात समझना होगी कि ये जो प्रतिबल होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है। तो यहाँ स्पर्शी प्रतिबल है और ए क्षेत्रफल पर अगर एफ बल लग रहा है तो ये प्रतिबल हो जाएगा एफ अपान ए। और अपरूपण विकृति यहाँ किस तरीके से आई कि दोनों सतहों के बीच जो सापेक्षिक विस्थापन हुआ या सापेक्ष विस्थापन हुआ वो डेल्टा एक्स है, और दोनों सतहों के बीच की जो दूरी है वो एल है, तो विकृति हो गया डेल एक्स अपान एल। अब आप क्या करेंगे, आप इसको सही तरीके से लिख लीजिए। तो ये एल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एल, और नीचे आने पर ये हो जाएगा ए डेल एक्स। इसी को एक रूप में एक तरीके से और लिख सकते थे हम, इसी को वो कैसे लिख सकते थे कि ये जो डेल एक्स अपान एल है, ये डेल एक्स अपान एल को ध्यान से देखिए तो ये टेन थीटा बन जाएगा। और जब आप इस डेल एक्स अपान एल को टेन थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ आपका टेन थीटा हो जाएगा, और थीटा बहुत छोटा हो तो यहाँ केवल थीटा हो जाएगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जी का जो मान है ये हो जाएगा एफ अपान ए इंटू थीटा। देखिए एफ अपान ए, और ये आपकी वैल्यू थीटा बन गई, तो एफ अपान ए इंटू थीटा हो जाएगा। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो वही है जो प्रत्यास्थता गुणांक का है। सारे के सारे प्रत्यास्थता गुणांक, सारे के सारे प्रतिबल का एसआई मात्रक यही होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं हम पास्कल। विमी सूत्र सारे प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल का एक ही होता है, वो नहीं बदलता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है कि विकृति का तो कोई मात्रक और विमा है ही नहीं, तो जो प्रतिबल का होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से मैं इसी को आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इस चित्र के माध्यम से या आंकिक प्रश्न की गणना से। जैसे मान लीजिए आपने देखा, एक प्रश्न लेता हूँ कि शीशे के 50 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार स्लैब, मतलब ये यहाँ जो भुजा है, ये भुजा आपकी कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एक वर्गाकार स्लैब है, उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी इस पतली वाली फलक पर यहाँ एक 9×10⁴ न्यूटन का अपरूपक बल लगाया गया है, और दूसरा जो फलक है वो इस तरीके से फर्श से रिवेट कर दिया गया है, मतलब उसको बांध दिया गया है। तो इसकी इस ये ऊपरी फलक कितनी विस्थापित होगी ये निकालना है, मतलब इसका विस्थापन निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। सवाल समझ में आ गया? ये आपका 50 सेंटीमीटर भुजा मतलब कैपिटल एल हो गया, ठीक है, और ये 9×10⁴ न्यूटन का बल है मतलब एफ हो गया, ठीक है, और डेल एक्स आपसे पूछा है। और एक बात और दी हुई है उसने कि जो अपरूपण गुणांक है उसका मान दिया है 5.6×10⁹, मतलब जी भी आपको दिया है। तो अब क्या क्या दे दिया आपको, जी दे दिया, एफ दे दिया, एल दे दिया, डेल एक्स पूछा, ए रेडीमेड नहीं है, लेकिन ए के लिए ये दो चीज़ें दे दी है, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से आप ए निकाल लीजिए, तो ये आपका आप बन जाएगा इसका ए क्या होगा, 50 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर को आप 0.5 मीटर लिख लीजिए और 10 सेंटीमीटर को आप लिख देंगे 0.1 मीटर, और दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए, मतलब ये आपका क्षेत्रफल बन गया, ठीक है। अब आपके पास में देखिए सारे मान हो गए, एफ हो गया, एल हो गया, ए हो गया, जी हो गया, और डेल एक्स पूछा है।
तो आपके पास जो आपको जो याद किया हुआ फार्मूला है वो तो ये है, जी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एक्स। अब डेल एक्स को यहाँ ले लीजिए, जी को यहाँ ले दीजिए, क्योंकि आपको डेल एक्स निकालना है, ठीक है। अब वैल्यू को आप पुट करेंगे, चलिए मेरे साथ एक एक करके आपको वैल्यू को पुट करना है, तो चलिए वैल्यू पुट करवाइए मुझे। तो ऐसे में जब आप मुझे वैल्यू पुट करवाते हैं तो आप क्या देखते हैं, देखिए कि डेल एक्स का मान जो है, देखिए एफ की वैल्यू 9 × 10⁴, ये हो गया एफ का मान, इंटू एल का मान 0.5, ये देखिए ये एल है 50 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 मीटर हो गया, और ये ए आपने अभी निकाला 0.05, और इंटू जी ये दिया हुआ है 5.6 × 10⁹। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, चलिए मेरे साथ आप सॉल्व करिए। देखिए 0.05 और 0.5, तो ये 10 बार कट गया, ठीक है, कितनी बार कटा है, 10 बार कटा, ओके। और 10⁴ लिखा और 10⁹ लिखा, तो नीचे कितना बचेगा, 10⁵, और ये 10⁴ भी क्या होगा, हट जाएगा। तो अब ये क्या बच रहा है, देखिए आप, ये देखिए 9 बच रहा है, ये हट गया, ये 0.5 कितनी बार कटेगा, 0.05 से 10 बार कटेगा, तो 9 × 10 हो गया, और ये 5.6 बचा, ये हट गया, और ये 10⁵ कितना बचा है, अभी बता दीजिए कितना बचा है, 10⁵ बचा है, ये 5 बचा है, देखिए ये 4 है और ये 9 है, तो 9 − 4 = 5 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करना बहुत आसान है, ये एक 10 और कट गया, ठीक है, तो ये बचा नीचे 10⁴, ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻⁴। अब 9 में 5.6 का भाग लगा दीजिए और गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.6 × 10⁴ मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 0.16 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं।